मेरा नाम है दीपक भानुशाली और मेरी जर्नी जो है 20 साल पहले शुरू हुई थी और शुरुआती मैंने माय फ्रेंड गणेशा एक कंपोजिट एनिमेशन फिल्म से शुरू की थी और उसके बाद में फिल्मों का दौर लगा और सरकार गोलमाल पार्टनर ऐसी कई अनेक फिल्में जो है के सेवासेरा प्रोडक्शन जो मेरे छोटे भाई दिनेश भानुशाली पराग संघवी की थी उसमें मैं भी डायरेक्टर था। वहाँ से जो शुरुआत हुई लोकेशन पे लोकेशन बनते गए आज हमारे पास 10,000 लोकेशंस ऑफलाइन में हैं। इसको हमने लास्ट पेंडेमिक के टाइम पे सारा कुछ डिजिटल फॉर्मेट पे जा रहा था, हमने देखा काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो होम बेस्ड हैं वो भी इसमें आ रहा है, तो हमने एक थॉट दिया क्यों ना जब पेंडेमिक खत्म होगा कभी ना कभी तो होना है तो इसको हम डिजिटल करें, तो 1.5 साल लगा हमें इसको डिजिटल में लाने के लिए। आज 10,000 लोकेशंस हमने डिजिटली लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है OMS लोकेशन। OMS का जो फुल फॉर्म है वो है वंस मोर स्टूडियोज। तो वंस मोर स्टूडियो एक अभी वेबसाइट है बट उसके अंदर भी जाएंगे तो आपको ऐप के थ्रू उसमें बहुत इजीली होगा जाना। अब जब ये डेवलप कर रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना डिजिटल इतना इम्पोर्टेंट है, तो हमने OMS Tech NX को 1 साल पहले लॉन्च किया, उसके साथ साथ में उसी कंपनी ने जो है ये टेक के अंदर हमने फर्स्ट अपना ही ऐप को लॉन्च किया। आज हम लोग 5 ऐसे डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जो लोकेशन को लेकर है, जो डिजिटल को लेकर है। आज एल्गोरिदम AI और ये जो मेटावर्स जो हम लोग बोल रहे हैं धीरे धीरे बहुत आगे चल के यही होना है। और हमारे जो अश्विन भाई है ही इज अ टेक गाय, ही कैन टॉक लॉट अबाउट द टेक जिसमें हम लोग इसको डेवलप करते जा रहे हैं। आगे चल के ये भी है कि जो स्क्रिप्ट और जो दिक्कतें आ रही है कि आज स्क्रिप्ट लेकर लोग प्री प्रोडक्शन करते हैं, 4 महीना उसको लगाते हैं, फिर रेकी करते हैं, रेकी में 5-6 लाख का खर्चा होता है, उसको जीरो कर देंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक बार रेकी करते हैं और हर प्रोड्यूसर इंडिविजुअल रेकी करता है। तो ये अगर इंडिविजुअल ना करके हमारे ऐप के द्वारा अगर वो सिलेक्शन होता है तो स्क्रिप्ट और उनके कैरेक्टर वाइज अगर वो डालते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे लोकेशन सिटीवाइज आ जाएगा। सपोज एक प्रोड्यूसर सोचता है कि मैं शूट करूं झारखंड में और वहाँ सब्सिडी है, तो आप हमारे सिर्फ झारखंड में जाकर आपको बंगले होटल रिजॉर्ट रेस्टोरेंट हाउस पर योर स्क्रिप्ट आपको टाइप करना है और वेरियस 50-50 लोकेशन हर कैटेगरी में आ जाएगा। ऐसा मेरा नाम बीएम तिवारी है, मैं फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज का प्रेसिडेंट हूँ। मैं 46 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, 22 साल तकरीबन मैंने बीआर चोपड़ा को साथ रहे उनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो के साथ। अभी जो दीपक भाई जो प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, जो ऐप लेकर आए हैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक है। सिनेमा जो है क्रिएटिव वर्क है, इसमें क्रिएशन के लिए हमेशा संभावनाएं रहती हैं और इन्होंने एक यूनिक चीज ढूंढा है क्योंकि लोकेशन पर ही हमारा बहुत सारे खर्च होते हैं। वहाँ जाते हम जा करके लोकेशन देखते हैं, उसमें दिक्कतें हैं, फिर हम दूसरे लोकेशन पर। तो आज यूरोपियन कंट्री में या हॉलीवुड में इस तरह के सिस्टम नहीं है, वो चीज़ें ये इंडिया में ला रहे हैं और हम बहुत उसकी सराहना करते हैं। तमाम हमारी इंडस्ट्री में करीब लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टेक्नीशियन, हमारे कैमरामैन, साउंड रिकॉर्डिस्ट, स्पॉट बॉय तक हैं। 32 एसोसिएशन हमारी है, उसमें इंडस्ट्री पूरी आती है। तो हम चाहेंगे कि इनके इस काम की सराहना करें हम लोग। थैंक यू सर। और वंस मोर स्टूडियो जो है ये रियली एक अट्रैक्टिव ऐप बनाया है उन्होंने, उसकी बहुत आगे चलते वैल्यू बढ़ेगी, इससे बहुत सारे लोग उनको फॉलो करेंगे। हमारी शुभकामना है और सपोर्ट भी है। फेडरेशन जो है चाहेगा कि जो भी अच्छा काम करे उसको सपोर्ट करे, हमारी शुभकामना। हाँ जी नमस्कार, मैं संगीतकार दिलीप सैन और मैं आज दीपक जी के इस प्रोग्राम में आया हूँ वंस स्टूडियो के अंदर। तो ये देखिए कि अपने आप में बहुत ही अनूठा है ये, और मुझे लगता है कि इस स्टूडियो के वजह से या इसके मार्फत से, मतलब जो लोगों को लोकेशन के लिए जो प्रॉब्लम होती है या जो लोग सोचते हैं कि हम जाएंगे आएंगे, वो उन्होंने एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह पे एक ही एप में कर दिया है। तो मेरी तरफ से यानी एक संगीतकार होने के नाते, फिल्म लाइन में काम करने के नाते, मैं इनको बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ। और मैं खास करके वसीम जी को शुक्र अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और आप लोगों के साथ आने का मौका दिया। और इस बहाने आप सभी लोगों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि दिवाली के पावन दिवस में ये काम हुआ है। तो जैसे दिवाली में दिए जगमगाते हैं, वैसे इस हमारे स्टूडियो के लिए भी इसमें जगमगाते रहेंगे,
चांद सितारों की तरह ये दीपक जी का स्टॉल चमकेगा और चमकेगा, ये मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितनी सपोर्ट आपकी तरफ से मिलेगी दीपक जी को, आप हमेशा फिल्म के बिल्कुल, मैं जहाँ मैं तो ये कहूंगा कि जो फिल्म जैसे मेरे पास जैसे मेरे के लिए आएगी तो मैं सबसे पहले दीपक जी का नाम लूंगा कि भैया सबसे पहले वंस मोर स्टूडियो में चलिए मेरे साथ, वहीं चल के शूटिंग करते हैं, वहीं चल के गाना बनाते हैं, जब तो वो गाने बने, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दे रे वाला। अच्छा अनाउंसमेंट बिल्कुल है तो मैं चाहूंगा कि एक अनाउंसमेंट करूं कि 99 सॉन्ग्स तक जो है मैं लोकेशंस फ्री दूंगा, जो भी फर्स्ट आएगा फर्स्ट 99 सॉन्ग्स को मैं टोटली लोकेशन दूंगा, चाहे बहुत बढ़िया बात है। मेरे पास मेरे ऐप के थ्रू बुक करिए, रजिस्टर करिए, ऑनलाइन पे डायरेक्ट ओनर से बात करिए और बुक करिए, आपका अमाउंट जो है वो इस कंपनी के थ्रू जाएगा। क्या बात है भाई, जीते रहो जीते रहो, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सबको दिवाली की शुभकामनाएं, एंड जैसे कि कहा जाता है कि मेहनत का फल एक दिन आता ही है, तो आई वुड लाइक टू रियली यू नो गिव 3 cheers टू मिस्टर दीपक भानुशाली, बिकॉज टेक का जो प्लेटफॉर्म बनाना वो भी एग्रीगेटर जिसमें बायर सेलर्स दोनों हैं, तो इट्स नॉट अ इजी जॉब, बट वी हैव सैट फुलफिल लाइक एंड इट्स जस्ट अ बिग थिंग, एंड अब तो शुरुआत हुई है एंड इसको ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है, एंड मेहुल जी इज गोइंग टू यू नो ओपन अप अ लॉट ऑफ ग्लोबल एवेन्यूज फॉर अस। जी आप बोलिए, जो आपने मुलाकात 5-6 महीने पहले हुई थी अश्विन भाई का जो, और एक बार मिलने को लिखा है बोला आप आओ दीपक भाई से मिलो, पुनीत भाई ने मिलवाया था साथ में, तो जस्ट कैजुअली एक मीटिंग हुआ था, फिर 2-3 बार मिले, एक दो बार खाना हुआ साथ में, मैं इतना बोलूंगा कि एक कोंडी होता है बुरा होता है इसकी परख एक झौरी ही कर सकता है, ये ऐसे झौरी है जो पत्थर में तो कोई नहीं घूमते। रविश आ गया ना, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं दीपक भानुशाली जी को बहुत सालों से जानता हूँ, उन्होंने बताया जिस तरह से, और मैं शुरू से इनकी प्रोग्रेस देखते आ रहा हूँ, जिस तरह से इन्होंने आउटडोर शूटिंग फिर लोकेशंस को घूमना शुरू किया, जाके उसको प्रमोट करना शुरू किया, तो थ्रू आउट ये मुझसे मिलते रहे, मेरे से एडवाइस और गाइडेंस लेते रहे, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि मैंने सही आदमी को एडवाइस और गाइडेंस दिया। थैंक यू सर, एंड टुडे वी आर स्टैंडिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ अ न्यू अचीवमेंट, समथिंग विच विल बी अ न्यू ब्रेक, वेयर ऑल सीकर्स ऑफ द लोकेशन एंड प्रोवाइडर्स विल बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एंड दे कैन इंटरैक्ट एंड गो अहेड विद इट विदाउट एनी थर्ड पार्टी इंट्रूजन। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है कि आज जिसको लोकेशन की जरूरत है और जो लोकेशन देना चाहता है वो दोनों जब एक ही जगह होंगे तो सारा काम बहुत आसान हो जाएगा, और जो आज के डेट में जिसको लोकेशन चाहिए उसको लेनी पड़ती है उन लोगों से जिनका मतलब किसी और से है, कुछ कट मिल रहा है, वो सब चीजें बंद होंगी, और डायरेक्ट इंटरेक्शन का जो टाइम है, जैसे आजकल एस्टेट एजेंट्स भी सरप्लस हो गए हैं, उसी तरह लोकेशन एजेंट्स भी सरप्लस हो जाएंगे, बिकॉज जब मैं बैठ के फिल्म बनाऊंगा आई स्पेंड सम टाइम ऑन द पोर्टल, और मुझे मालूम पड़ जाएगा कि मेरे मतलब की लोकेशन दीपक भाई के पास है, तो मैं डायरेक्टली ले सकता हूँ। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और प्रोड्यूसर के लिए एक बहुत बड़ा काम है, जिसके लिए आई कॉन्ग्रेचुलेट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हिंदू धर्म की तरफ से सबको बहनों को और भाई का दिन आज सब सुख दिन है, दिवाली है, विश्व में शांति हो, किधर भी अहिंसा न हो, हत्या न हो, गौ हत्या भी न हो, गौ माता की रक्षा हो, और हमारी विश्व में एक ही चीज पहचान होना चाहिए, एक औरत एक मर्द, मनुष्य मनुष्य, जात पात धर्म एक किसी सदी में नहीं होना चाहिए, जात पात धर्म की वजह से हिंदुस्तान बहुत बढ़ रहा है, बहुत नेता लोग उसके वजह से फायदा मिल रहा है। मैं हिंदू समाज शिवसेना प्रमुख निजी पुजारी, निजी पुजारी भी हूँ, मैं 45 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में नजदीक से देखता हूँ, लेकिन हम सेवा के भारत के बिल्डिंग से लेकर बॉर्डर तक सेवा करते हैं, हम थापा लोग भारत का सेवा करते हैं, लेकिन श्रम बेचते बिल्डिंग पक्ष श्रम बेचते, लेकिन खून नहीं बेचते, ईमान नहीं बेचते, अच्छा करते हैं। चलो आज एकता की जरूरत है विश्व में, जो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, लेकिन मोदी जी आर्मी को जितना अच्छा मजबूत बना दिया, देश को मजबूत बना था, हम कपड़ा पहनते हैं ना महंगा बाहर निकल नहीं सके, उन्होंने कपड़े को मजबूत बनाया है, अभी शरीर भी मजबूत बन जाएगा, पैसा छाल हुआ गंदगी साफ करने का टाइम लगता है, उनको समय दीजिए,